अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय गोल्डन किचन। आसान खाना सबको सिखाना। आज मैं बनाने वाली हूँ सूजी के गुलाब जामुन। बहुत ही टेस्टी और आसानी से ये घर में रेडी हो जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो चलिए जी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेप वन में हम चाशनी तैयार कर लेते हैं, और चाशनी के लिए जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। 1.5 कप पानी जाएगा, 1 कप मैंने इधर चीनी ली है, और 4 अदद मैंने इलायची ली है, उसे मैंने खोल दिया है। तो चलिए जी पहले शीरा तैयार कर लेते हैं। एक बर्तन मैंने लिया शीरा बनाने के लिए, इसमें डालेंगे पानी, फिर ऐड करेंगे इलायची और चीनी, और चीनी को मेल्ट होने तक पकाएंगे चम्मच चलाते हुए। चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो गई है और चाशनी पकना शुरू हो गई है, तो इसे हम पकाएंगे मीडियम लो फ्लेम पे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए, ताकि हमारा जो शीरा है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए या एक तार जितना ये बन जाए। इसको पकते हुए चाशनी को 7 से 8 मिनट हो गए हैं, तो हम चेक कर लेते हैं कि एक तार का शीरा जो है वो तैयार हुआ है कि नहीं। ये देखें तार बन रही है इसकी। तो अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं और स्टेप टू की तरफ चलते हैं। स्टेप टू में हम सूजी के गुलाब जामुन के लिए डो तैयार करेंगे। जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। 1 कप बारीक सूजी, 1 टीस्पून घी, 1 टेबलस्पून चीनी, 1.5 कप दूध लिया इधर मैंने। तो चलिए जी इसे बनाते हैं। एक पैन मैंने लिया है और इसमें मैं सूजी डाल रही हूँ, और सूजी को मैंने ड्राई रोस्ट करना है। मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको रोस्ट करूँगी। लगातार आपने चम्मच चलाते रहना है, अगर आप चम्मच रोकेंगे तो वो सूजी नीचे से जल जाएगी, तो फिर हमारे जो गुलाब जामुन हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं मीडियम फ्लेम पे हम इसकी बुनाई कर रहे हैं, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब जो आँच है हम वो बिल्कुल लो कर देंगे, और इसमें ऐड करेंगे चीनी, साथ में ये घी डाल देना हमने, और दूध अब ऐड करेंगे हम। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे और चम्मच जो है वो चलाते जाएंगे। चम्मच आपने बिल्कुल नहीं रोकना, और दूध को भी आपने एकदम से सारा नहीं डालना, वरना गुठलियाँ बन जाएंगी और जो हमारी डो है वो अच्छे से तैयार नहीं होगी। सारा दूध हमने डाल दिया है, तो अब इसे हम मिक्स करते जाएंगे और चम्मच चलाते जाएंगे, और ये खुद ही डो फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। अभी ये पकना शुरू हो रही है। सारी जो डो जो है वो सारी इकट्ठी हो गई है, और देखें अच्छी सी डो हमारी तैयार हो गई है। अब चूल्हा जो है हम बंद कर देते हैं। इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट लगे हैं पकने में, तो चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ और इसे थोड़ा ठंडा होने देती हूँ। डो हमारी थोड़ी ठंडी हो गई है, इसे ज़्यादा हमें ठंडा नहीं करना, बस इतना ठंडा करना है कि इसको हम हाथ लगा सकें। तो अब हमने अपने हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेना, और इसे हमने मसल मसल कर ऐसे गूंदना है ताकि इसकी स्मूथ डो जो है वो तैयार हो जाए। तकरीबन इसे हम 5 से 6 मिनट इसे गूंदेंगे मसल मसल कर। इसे मैंने काउंटर पे निकाल लिया, काउंटर पे ये अच्छे से ये गूंदा जाएगा, क्योंकि इसे हमने अपनी हथेली की मदद से इसे गूंदना है। ये हमारी डो जो है तैयार हो गया है, बिल्कुल स्मूथ डो तैयार हुई है। ये देखिए आपको नज़र आ रही होगी। तो अब इसके हम बॉल बना लेते हैं छोटे छोटे से। थोड़ी सी हमने डो उठानी है, और लीमू के साइज़ के हमने बॉल बना लेने हैं। सबसे पहले हम हाथों की मदद से इसकी बाइंडिंग करेंगे ताकि कोई दरार ना आए। अच्छी तरह बाइंडिंग करने के बाद इसे अब हमने हथेलियों के दरमियान ऐसे रख के तो इसे राउंड घुमाना है, ताकि ये बिल्कुल स्मूथ सा गोल सा जो बॉल है रेडी हो जाए।
छोटे बड़े आप अपने साइज़ के मुताबिक या कोई भी सी भी शेप के आप बना सकते हैं। लंबाई में गोल, मैं गोल बना रही हूँ, इसी तरह मैंने सारे गोल बना के रखते जाना है। सारे गुलाब जामुन हमने बना के रख लिए हैं, तो अब इसे हम फ्राई करते हैं आपके सामने। देखें कितने स्मूथ बने हैं, इसमें कोई दरार वगैरह नहीं है। आपने भी इस बात का ख्याल रखना है, वरना आपके जो गुलाब जामुन है वो टूट जाएंगे। कढ़ाई में या पैन में हमने ऑयल डाल लिया है, तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो हम चेक कर लेते हैं ये गर्म हुआ है या नहीं। थोड़ा सा बैटर या डो उठा के जो हमने सूजी की बनाई थी वो डाल के देख लेते हैं उसका बोल। अभी ये थोड़ा गर्म नहीं हुआ, इसको थोड़ा और गर्म करते हैं। ये देखें अब ये तैर कर ऊपर आना शुरू हो गया है, इसका मतलब है कि ऑयल जो है हमारा गर्म हो गया है। इसको हम बाहर निकाल देते हैं जो हमने डाला था थोड़ा सा डो। फ्लेम मीडियम रखी है, एक एक करके हमने गुलाब जामुन जो हमने रेडी किए हैं ये इसमें ऐड कर देंगे। सारे हमने डाल दिए हैं, अब आँच हम मीडियम लो कर देंगे। तेज़ आँच पे इसे हम नहीं पकाएंगे, वरना ये अंदर से कच्चे रहेंगे और बाहर से ये कलर आ जाएगा इनको। तो अभी इसे हम पलटेंगे नहीं, थोड़ा सा नीचे से पकेंगे, तो फिर हम इसको पैन को थोड़ा सा हिलाएंगे। तकरीबन 30 सेकंड हो गए हैं इसे हमने डाला हुआ है, तो अब आपने ऐसे पैन को हिलाना है, ये खुद ही पलट जाएंगे। और वैसे भी आप इसे हल्के हाथ से टर्न कर सकते हैं, ज़्यादा आपने इसे ज़ोर नहीं लगाना। दूसरी साइड को भी तकरीबन 30 सेकंड हो गए हैं, ये अब अच्छे से थोड़ा सा ठहर गए हैं, तो अब इसे हम चम्मच चलाते हुए घुमाते हुए इसे पकाएंगे, ताकि इक्वली कलर जो है हमारे गुलाब जामुनों को आ जाए। आप डार्क कलर भी दे सकते हैं, लाइट कलर का भी आप गुलाब जामुन बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। आठ से दस मिनट लगे हैं इसे टोटल, और देखे कितना सुनहरा कलर आ गया है। तो मैं इसे निकाल लूँगी, मैं इसका कलर इस तरह का पसंद करती हूँ। अगर आप डार्क गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं तो इसे थोड़ा और कलर दे दें। और इसी तरह मैंने ये सारे गुलाब जामुन निकाल लेंगे। सारे गुलाब जामुन मैंने निकाल लिए हैं, अब हम इसे शीरे में डालेंगे। शीरा हमारा ठंडा हो गया है, तो इसे हम गर्म करेंगे। अगर आपका शीरा भी ठंडा हो जाए तो आपने इसे गर्म कर लेना है। चूल्हे पे मैंने इसे रखा है, इसे ये थोड़ा गर्म होगा तो फिर हम आपके सामने गुलाब जामुन इसमें ऐड करेंगे। शीरा हमारा गर्म हो गया है, मैंने इसे एक उबाल दिया है, तो अब चूल्हा जो है मैं बंद कर देती हूँ, और इसमें मैं ये गुलाब जामुन ऐड कर देती हूँ। एक एक करके हमने डाल देना है। सारे गुलाब जामुन मैंने डाल दिए कढ़ाई में, अब आपने कढ़ाई को पकड़ के इस तरह आपने घुमाना है, ताकि सारा शीरा जो है गुलाब जामुन के ऊपर आ जाए। और इसे हम एक कर रख देंगे, ताकि सारे जो शीरा है वो गुलाब जामुन के अंदर अब्ज़र्व हो जाए, वो अच्छी तरह इसे पी ले और मीठे हो जाए अंदर से। तकरीबन इसे दो घंटे हो गए हमने शीरे में डिप करके रखा हुआ है, और बीच बीच में हमने एक दो दफ़ा इसे चम्मच चलाया था, ताकि ये सारे जो हैं वो शीरे में डिप हो जाएं। और अगर ये रात भर पड़े रहे शीरे में तो बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार हो जाते हैं। तो मैं इसे करती हूँ डिश आउट। मज़ेदार से हमारे गुलाब जामुन बनकर रेडी हैं, ये बहुत ही टेस्टी बने हैं, और आपने इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि शीरा आपका बिल्कुल फुल गर्म होना चाहिए जब आप गुलाब जामुन शीरे में ऐड करें। और मैं आपको इसका दिखा देती हूँ स्ट्रक्चर, ये देखें कितने सॉफ्ट बने हैं, और तोड़ के भी मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से कितने जूसी और बाहर से कितने ये सॉफ्ट बने हैं। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है, और प्लीज़ आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर और लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को। कल मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।